Kittur Chennamma. स्वाधीनता प्राप्त करने की लड़ाई किसी एक स्थान से अचानक आरंभ नहीं हुई, बल्कि इसकी चिंगारी देश के कोने-कोने में वर्षों तक सुलगती रही। आजादी पाने की इस चिंगारी से कर्नाटक राज्य भी अछूता नहीं रहा। देश के अन्य भागों की तरह कर्नाटक में ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए जिनकी वीरता की चर्चा आज भी की जाती है, उनकी शौर्य गाथाएं गीतों में पिरोकर गाई जाती हैं। इन वीरों में एक नाम है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा का। भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 में छिड़ा, परंतु इससे भी तीन दशक पूर्व यानी 1824 में कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाकर स्वाधीनता संग्राम का बिगुल बजाया था। कर्नाटक में बेलगांव के पास एक छोटा सा कस्बा है कित्तूर। कित्तूर कन्नड़ राजवंश की एक छोटी सी रियासत की लगभग 164 वर्ष तक राजधानी रही। चेन्नम्मा इसी छोटी सी रियासत की रानी थी, जिसमें अदम्य साहस और देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। मात्र साहस और संकल्प के बल पर रानी चेन्नम्मा की एक छोटी सी सेना ने अंग्रेजों की विशाल और शक्तिशाली सेना का डटकर मुकाबला किया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कित्तूर। चेन्नम्मा कित्तूर के शासक मल्ल सरजा देसाई की दूसरी पत्नी थी। कहते हैं कित्तूर के शासक और चेन्नम्मा नाटकीय परिस्थितियों में मिले थे। एक बार राजा मल्ल सरजा कर्नाटक के उत्तरी भाग के मुखिया घुल्लप्पा गौड़ देसाई से मिलने गए। वहां जाते समय रास्ते में एक स्थान पर गांव वालों ने बताया, एक नरभक्षी बाघ के कारण चारों ओर भय और आतंक छाया है। मल्ल सरजा, जो कि स्वयं एक कुशल शिकारी थे, बाघ को मारने के लिए जंगल में निकल पड़े। मल्ल सरजा ने एक ही बाण से उस नरभक्षी बाघ को मार गिराया, परंतु जब वो बाघ के पास पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। बाघ के पास एक खूबसूरत कन्या बैठी थी। उस कन्या ने मृत बाघ पर अपना अधिकार बताया। मल्ल सरजा ने बाघ को देखा तो उसके शरीर पर दो बाण लगे थे। राजा उस कन्या के सौंदर्य और साहस को देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। ये जानकर उन्हें और भी प्रसन्नता हुई कि चेन्नम्मा नाम की वो कन्या घुल्लप्पा गौड़ देसाई की पुत्री थी, जिनसे मिलने के लिए वो जा रहे थे। अगले दिन जब राजा मल्ल सरजा घुल्लप्पा गौड़ देसाई के घर पहुंचे तो उन्होंने अन्य बातों के साथ साथ उनकी पुत्री चेन्नम्मा के साथ विवाह का प्रस्ताव भी रखा। घुल्लप्पा गौड़ देसाई ने हां कर दी और इस प्रकार राजा मल्ल सरजा जब वापस कित्तूर लौटे तो दूसरी पत्नी के रूप में चेन्नम्मा भी उनके साथ थी। राजा मल्ल सरजा की पहली पत्नी रुद्रम्मा अपना समय पूजा पाठ में बिताती, परंतु दूसरी पत्नी चेन्नम्मा राज्य कौशल में गहरी रुचि लेती। चेन्नम्मा अन्याय और क्रूरता को सहन नहीं कर सकती थी, इसी कारण वो शीघ्र ही जनता की प्रिय बन गईं। राजा मल्ल सरजा का जब देहांत हुआ तब उनके परिवार में दो पत्नियां रुद्रम्मा और चेन्नम्मा तथा तीन पुत्र थे। बड़े पुत्र शिवलिंग रुद्र सरजा को उनके स्थान पर गद्दी पर बैठाया गया। अस्वस्थ रहने के कारण शिवलिंग रुद्र सरजा केवल नाम के शासक रहे। वास्तव में राज्य का कार्यभार तो चेन्नम्मा ही सुचारू रूप से चलाती रहीं।
शिवलिंग रुद्र सर्जा अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। चेन्नम्मा कित्तूर के भविष्य के लिए सदा चिंतित रहती। इसीलिए शिवलिंग रुद्र सर्जा की मृत्यु से कुछ समय पूर्व ही उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने की रस्म की, जिसमें शिवलिंगप्पा नाम के एक बालक को उत्तराधिकारी बनाया गया। शिवलिंग रुद्र सर्जा के दोनों भाइयों की युवावस्था में ही मृत्यु हो गई थी और उसकी अपनी कोई संतान न थी। इसी कारण बालक को गोद लेने की आवश्यकता पड़ी। 8 वर्ष तक कित्तूर का शासक रहने के बाद शिवलिंग रुद्र सर्जा का देहांत हो गया। शिवलिंग रुद्र सर्जा के निधन के बाद चेन्नम्मा ने कित्तूर को अपने नियंत्रण में ले लिया। अब वो कित्तूर की रानी चेन्नम्मा बन गईं। दरबार में बैठकों की अध्यक्षता वो महान गरिमा और योग्यता से करती। रानी चेन्नम्मा की ख्याति शीघ्र ही दूर दूर तक फैल गई। दूसरी ओर अंग्रेज कित्तूर के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे और उसे अपने अधीन करने के अवसर की प्रतीक्षा करते रहे। वे कित्तूर को हड़पने की ताक में थे। कित्तूर में बालक को गोद लेकर उत्तराधिकारी बनाए जाने की घटना उनके लिए बहाना बन गई। दक्षिण के अंग्रेज आयुक्त ने इस गोद लेने की रस्म को अनुचित बताया। उनका आरोप था, कित्तूर चेन्नम्मा स्वाधीनता प्राप्त करने की लड़ाई किसी एक स्थान से अचानक आरंभ नहीं हुई, बल्कि इसकी चिंगारी